दोस्तों आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। वैसे तो मैंने इसका एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें सारी जानकारियां तो खैर नहीं दी जा सकती, समय लिमिट बहुत कम होता है, इसलिए आज हम डिटेल में इसकी बात करते हैं कि भाई तिरंगा हमारी शान है लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाना एक कानूनन अपराध है। किसी भी स्थिति में फटे या फिर क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जाना चाहिए, यह हमारी शान के बिल्कुल खिलाफ है। तिरंगे का जो निर्माण होता है वो हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होना चाहिए, जिसका अनुपात भी निश्चित होता है 3:2। झंडे का यूज़ किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म या फिर सजावट के सामान में नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल यूनिफॉर्म्स में छोटे छोटे बैचेस लगा दिए जाते हैं झंडे के, लेकिन वो नहीं होने चाहिए। झंडे पर कुछ भी बनाना या फिर लिखना गैर कानूनी होता है। किसी भी गाड़ी के पीछे बोट या प्लेन में तिरंगा यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में भी कभी नहीं किया जाता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। यह बात भी बहुत तिरंगा माना जाता है कि झंडा केवल और केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है, वरना झंडा कभी भी झुका हुआ नहीं रहता। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही उसे बराबर रख सकते हैं। जब तिरंगा फट जाता है या फिर उसका रंग उड़ जाता है तो उसे कभी नहीं फहराया जाता, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान माना जाता है। शहीदों के पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे भी गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जलाए जाते हैं या फिर किसी नदी में जल समाधि दे दिए जाते हैं। सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने हुए झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, जो कि ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, कोलकाता में फहराया गया था। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको पिंगली वैक्या ने डिज़ाइन किया था। आज जो हम तिरंगा फहराते हैं उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसे सबसे पहले 6 बार बदलाव करके अपनाया गया था। इसके 3 हिस्से बने झंडे में सबसे ऊपर केसर या बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की एक बराबर की पट्टी होती है। झंडे की जो चौड़ाई होती है और लंबाई होती है वो 2 और 3 के अनुपात में होती है।